हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज़। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरटेल के लेवल्स के बारे में, और भारतीय एयरटेल के अभी जो भी लेवल आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग लेवल बन चुके हैं, जिसमें कि आप अभी जो हम इस लेवल को डिस्कस करेंगे उससे पहले आप ये वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें जो लेवल अभी डिस्कस करने वाले हैं वो लेवल पहले से डिस्कस कर दिए थे ऑलरेडी, जहाँ पर इसकी क्लोजिंग जो हुई है लास्ट फ्राइडे, मार्केट की इतनी गिरावट के बावजूद जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग वाली हुई है। तो इसके साथ ही सीधे चलते हैं भारतीय एयरटेल के चार्ट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमने ये वाला जब कैंडल बना था तभी आपके साथ ये जो वीडियो हमने पहले बताया, ये वाले 3 दिन पहले आप देख सकते हैं, 3 डेज पहले हमने डिस्कस आपके साथ शेयर कर दिया था ऑलरेडी, जहां पर इसकी क्लोजिंग हुई थी 565.55 की। बट हमने आपको नीचे के लेवल दिए थे ऑलरेडी, आपको जैसा कि हमेशा हमारी जो कोशिश रहती है वो एडवांस में आपको लेवल देने की रहती है, जिससे कि वो लेवल आपके हाथ से कभी छूटे नहीं, आप कभी भी बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी को किसी भी स्टॉक में मिस ना करें। तो लास्ट जो ट्रेडिंग डे था फ्राइडे को, मार्केट में बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मोस्टली सारे स्टॉक बड़ी 5-6% तक भी गिर चुके। तो भारतीय एयरटेल भी गिरा, आप देख सकते हैं कि एक बेयरिश कैंडल भी बना है बड़े वॉल्यूम के साथ, बट इसकी जो क्लोजिंग है आप देख सकते हैं कि इसकी जो गिरावट है वो एग्जैक्टली जो सपोर्ट लेवल हमने आपसे डिस्कस किया था ये वाली वीडियो पे, तो वहीं पर ही आके रुका है भारतीय एयरटेल, जहाँ पे मार्केट लगातार गिरता रहा, एक के बाद एक सपोर्ट लेवल को तोड़ के फिर से नीचे ब्रेक कर करके बड़ी गिरावट हुई, निफ्टी भी ऑलमोस्ट 5% तक करेक्शन हुई थी उसमें। बट भारतीय एयरटेल में आप देख सकते हैं जो सपोर्ट लेवल हमने आपके साथ डिस्कस किए थे वो सपोर्ट लेवल पावरफुल है, इसीलिए ये जो इसमें गिरावट हुई वो थम गई इस सपोर्ट लेवल में आके, और जस्ट टेस्ट करके आप देख सकते हैं अगर इसके हम लोअर टाइम फ्रेम में चल के अगर देखें तो जस्ट टेस्ट करके इसमें आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। तो अब नेक्स्ट वीक भारतीय एयरटेल एक बड़ा इसमें मूवमेंट मिलने वाला है, उसे किस तरह से हमें ग्रैब करना है उस अपॉर्चुनिटी को, इसे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो भारतीय एयरटेल में आप देख सकते हैं कि जो इसमें ओपनिंग हुई थी लास्ट फ्राइडे में 574.5 में ओपन होके, इसके जो लो लगा वो 551.75 का था, जहाँ पे हमने आपको 550.8 का सपोर्ट लेवल आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसमें 551.75 का हाई लगा के इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 556.3 की हुई है। तो अगर हम इंट्राडे वाली अगर बात करें, जिसमें कि इस वीडियो में आपके साथ क्लियरली कहा था कि इंट्राडे में ये लेवल टेस्ट होते हैं तो आप ज़रूर बाइंग करके फ़ायदा ले सकते हैं, तो उसके अगर पर्पस पे बात करें तो जिन्होंने भी बाइंग किया होगा उनको ज़रूर कुछ मूवमेंट का फ़ायदा मिला होगा। बट नेक्स्ट वीक में ओवरऑल हमें ये देखना है कि ये जो अब ये लेवल जिस तरह से रिस्पेक्ट किया है, जहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट में भी इसे ब्रेक नहीं किया, इसे टेस्ट करके जस्ट ऊपर में ही क्लोजिंग हुआ है, तो इसमें नेक्स्ट वीक में हमें देखना पड़ेगा कि ये सबसे पहले तो ये मेक और ब्रेक लेवल बन चुका है, जहाँ पर अगर इसे ब्रेक कर दे तो नीचे में, जैसा कि हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन और नीचे में सपोर्ट लाइन आप यहाँ पर लगा के रख दिया है, तो अगर 550.8 का जो लेवल है वो ब्रेक करके नीचे में स्टे करे, क्लोज करे नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन, तो अभी आपको फिर से उसके बाद आने वाले कुछ दिनों तक इसमें पैनिक ही देखने को मिल सकता है, इसमें सेलिंग ही देखने को मिल सकता है। और जहाँ पे ये इसके नीचे में आप देख सकते हैं कि इसके नीचे में 550.8 के नीचे में फिर बड़े प्राइस लेवल तक, एक बड़े रेंज तक कोई भी अच्छा सपोर्ट लेवल नहीं है, तो बड़े ही क्रूशियल लेवल में आ चुका है भारतीय एयरटेल, जहाँ पर हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीक में, वॉच करना पड़ेगा कि इसे ब्रेक करेगा तो एक फिर से बड़ी गिरावट होगी, बट अगर ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ से रिवर्सल ले सकता है भारतीय एयरटेल, जहाँ पर अच्छे सपोर्ट लेवल तो हैं ही, आप देख सकते हैं कि लास्ट फ्राइडे में टेस्ट हुआ है बट ब्रेक नहीं किया है, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो यहाँ से नेक्स्ट वीक में अगर ये ब्रेक नहीं करता है इस लेवल को, इसके ऊपर में ही ट्रेवल करता रहता है, तो मंडे को ही हो सके आपको यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी सेंटिमेंट अच्छा रहा, कहीं से भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा सा रैली हो, क्योंकि बड़े ऑलमोस्ट 5% तो करेक्शन हो चुका है, अगर 1% या 1.5% जैसा भी अगर रैली होता है तो उस हिसाब से यहाँ पे भी आपको एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आपको 566 और 576 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं भारतीय एयरटेल में। तो बस लेवल को नोट करके रखें, थोड़ा सा वॉच करें मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, और इसके ऊपर में ही ट्रेवलिंग करता रहता है, फर्स्ट हाफ में थोड़ा वॉच करें
और ब्रेक नहीं करता है तो ज़रूर बाइंग करके इस लेवल से फ़ायदा ले सकते हैं। बट अगर एक बार ब्रेक कर दे तो वो पोजिशनल पर्पस पे होगा, जहाँ पे डे कैंडल में हमें देखना पड़ेगा कि इसे ब्रेक करे और नीचे में क्लोज करेगा, तभी आप इसमें सेलिंग में जाएं। फिलहाल के लिए अच्छे सपोर्ट लेवल हैं, एज अ सपोर्ट और एज अ बाइंग लेवल ही यूज़ करें इस लेवल को।